दीवाना बाश तागम तो दीगरा खुरंद, अगर तुम दीवाने हो जाओ तो तुम्हारा गम दूसरे उठाएंगे और तुम्हें कहना भी नहीं पड़ेगा। तो हमारा बड़ा अल्लाह ताला अपने मखलूक के दिल में डालेगा, वो तुम्हारे हाजतों को पूरा करके और तुम्हारी खिदमत करके शुक्रिया भी अदा करेंगे। फिर आपका करम है कि आपने हमें अपने काम में मशगूल कर लिया और मैं आपके काम आ गया, मैं काबिले कदर हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। तो शबे कदर भी है, रोजे कदर भी है, काबिले कदर दिन भी है रात भी है, हर लम्हे हयात है। एक लम्हा हयात भी नाराज करके नाकदरी मत करो अपनी जिंदगी के लम्हे हयात की। माशाल्लाह, जिस जालिम ने हराम लज्जत हासिल की गुनाहों से, उस जालिम ने अपनी जिंदगी के लम्हे हयात के साथ नाकदरी की, न शब कदरी की न रोज कदरी की, न शब कदरी की न रोज कदरी की। जो लम्हा उसने नाफरमानी में जाया किया, इससे बढ़कर कोई खसारा नहीं। आ हकीम उम्मत का एक जुमला, अजीम शान जुमला नकल कर रहा है आपके सामने उनका पोता अदना गुलाम, कि मोमिन की सबसे मनहूस घड़ी, मोमिन की सबसे बुरी घड़ी, मोमिन की सबसे नुकसान वाली घड़ी वो है जिस वक्त की वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुबतला होता है। किस तरह से हिम्मत करते हो अपनी सूरत और सीरत पर अल्लाह ताला की नाफरमानी को खुले दिल से, दिल कैसे खुलता है, कैसी जरूरत पैदा होती है इतने बड़े मालिक की नाफरमानी करते हुए, ताज्जुब की बात है ये। अगर सही ताल्लुक अल्लाह से कायम हो जाता तो मर जाते मगर नाफरमानी न करते, मौत की तमन्ना करते, मारूमी की तरह खुदा की फरियाद करते, काश की मादर नजादे मरमरा, काश की मुझे माने जनाही न होता दुनिया में, काश की शेरे न खोदे दर चरा, काश की मुझे शेर चरागाहों में न खा जाता, कब निश्चित ये गुनाह मुझसे होता।